नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, 7000-969-440। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लोक जीवन की, आपके हमारे अपने समय की एक बहुत भीषण चरम पर पहुंचने वाली समस्या है। इसका आज के सामाजिक परिवेश से भी बहुत संबंध है, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है, वो समस्या ही ऐसी है कि उसके केंद्र में आप रहें ना रहें, लेकिन वो आपको प्रभावित जरूर करेगा और कई बार तो बड़े दिलचस्प कारण होते हैं। और ये विषय है तनाव का चरम पर पहुंचना। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आप क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, हाँ आप क्रिकेट पसंद करते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, आपकी फेवरेट टीम हार रही है, अचानक आप चीजें, तकिया पास रखा उसे मरोड़ने लगते हैं, बच्चा जो आपके घर का है या आपका भाई या कोई भी है मेंबर, पानी आपने मांगा, पानी आने में देर हो गई, आपका पारा सातवें आसमान पे, कुछ नहीं करते हैं यार तुम लोग, यार गजब है, यहाँ ये हाल है मैच की, हम लुटे पुटे पड़े हुए हैं और तुम लोगों को ये सूझ रहा है। ये दरअसल तनाव का चरम पर पहुंचना है और वो सारे चेहरे तनाव की एक मनोविज्ञान को और समझ लें, जो व्यक्ति तनाव में होता है उसे ये लगता है कि आसपास खड़े सारे लोग आनंद उठा रहे हैं, उनकी कोई रुचि नहीं। जैसे घर में, घर के मुखिया को लगता है कि मैं दिन भर खटता हूं किसी बैल की तरह, लेकिन मेरे पुत्र पुत्री को या मेरी पत्नी को भी इसकी परवाह नहीं है कि ये पैसा कितनी समझदारी से खर्च होना चाहिए। ऑफिस में बॉस को लगता है कि उसी ने पूरी कार्य प्रणाली को अपने सर माथे पर उठा रखा है। और इसी तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये मानकर चलता है, वो भले ही किसी एक क्षण किसी दूसरी जगह तनाव का आनंद उठा रहा है किसी दूसरे के तनाव का, लेकिन जब उसके पास तनाव आता है तो आप उसका आचरण देखिए, वही जो दूसरे को ज्ञान दे रहा था कि तनाव मत किया करो, वो भी किसी मनोरोगी की तरह आचरण करता हुआ प्रतीत होता है। तनाव का कारण क्या है? निश्चित तौर पर पहले तो तनाव के कारणों को समझना होगा और दूसरा लौकिक जगत में इसका जो उपचार है, मनोचिकित्सक के पास जाना या स्वयं को शांत करना या ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा लेना, लेकिन क्या कुछ आध्यात्मिक उपचार भी तनाव का है? ज्ञान तो हम लोग प्रतिदिन लेते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप की पूरी यूनिवर्सिटी ही ज्ञान से भरी है, आपके हमारे मोबाइल को खाली करने में समय लगे इतना, बरसों लग जाए, इतना ज्ञान है। आज इसी को समझेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। आज आपने अलग अलग व्याधियों में शरीर की सबसे महत्वपूर्ण व्याधि आती है तनाव बर्बाद। पहले भी हमने यद्यपि चर्चा की है लेकिन आज कुछ नया निकलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इन कल्प और विकल्पों पर नाना प्रकार के चिंतन लोगों के साथ अलग अलग समय पर देखते सुनते और करते रहता हूं, परस्पर आप भी। मूल रूप से आप एक बात समझें कि जब मन स्थिति में, अंतर मन में ऋषियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो जाता है पूर्णतया, यानी मन को, उस मन के निर्मल जल को मत कर कीचड़ की तरह बना दिया जाता है, तो फिर मन अपनी पूरी प्रतिकूलता तन पर भेज देता है, उसका मूल असर दिखाई पड़ता है। जिनको समझना है कि मन जब बदभास हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, तो तन पर प्रतिकूल प्रभाव को तनाव कहते हैं। तब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहले तनाव आपके उस तन के मूलाधार पर प्रभाव डालता है जिसको वो अधीर कर देता है। डॉक्टर साहब, क्या यहां ये समझना भी बहुत जरूरी है कि तनाव प्रभु श्री राम को भी होता है? राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं कि जो श्री राम वन की लताओं से पूछ रहे हैं सीते कहां है, जब शक्ति लगती है लक्ष्मण को तो राम तनाव में आते हैं। तो क्या पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव ने सभी को घेरा है?
आप ये मत सोचिए कि तनाव कोई बहुत निकृष्ट या खराब चीज है। नहीं, तनाव एक सबसे सहज व्यवस्था है। अगर तनाव आपके शरीर में ना आए, जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए ताप होता है, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। सकारात्मक और नकारात्मक को आप अधीरता और क्रोध से परिभाषित करते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप अधीर होते हैं तो ये सकारात्मक तनाव है आपका, यानी आप चाहते हैं कि कोई चीज जल्दी आपको मिले, तुरंत परिणाम मिल जाए। और जब आप क्रोधित होते हैं तो नकारात्मक तनाव है, आपको मालूम है कि वो चीज मिल नहीं पा रही है, तो आप भौतिक रूप से प्रतिकूलता का आचरण करते हैं। जहां तक रहा राम का आप उदाहरण दे रहे थे, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे। राम के चरित्र में लीलाएं तो शामिल है ही है, लेकिन राम के उस चरित्र में विरह और अनुराग है, तनाव नहीं है। ध्यान रखिए, राम आपको कितनी सहजता से शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात। विरह और अनुराग है दोनों, उनकी शक्ति लगने पर राम का वो अनुराग है, शर्म अनुराग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीता जी के अपहरण के बाद वो विरह, विरह है। विरह की जो स्थिति है वो तनाव को हल्का करती है, इसलिए यदि अश्रुपात हो जाए कहीं पर किसी दुखी व्यक्ति को तो उसका तनाव कम होता है। बहुत सुंदर। उसका तनाव कम, भरे हुए हैं आप, गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। तो राम वहां अपने तनाव को खत्म करने प्रकृति के कण कण पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर शायद स्त्रियां अपने तनाव को अधिक बेहतर तरीके से प्लान कर पाती है, उनकी क्योंकि अश्रुपात बड़ी जल्दी वो हल्की हो जाती है उन प्रक्रियाओं में। पति आक्रोशित हुआ, हिंसक हुआ, तो उन प्रक्रियाओं में वहां कौन है अकेले, तो सबसे पहले वो बह जाती है। बह जाने से वो अपने आप में हल्का हो जाती है, वो परमात्मा का साथ ले लेती है, ऊपर वाले का, प्रारब्ध का, कहीं न कहीं एक ठीहे में उस तनाव को फेंक करके वो संतुष्ट हो जाती है कि छोड़ो, इनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण ऐसा हुआ। यहां एक दूसरी बात है, धीरथा है, वो एक मूल शब्द है संस्कृत का, धीरथा बुद्धिम प्रज्ञारथम भवेद। वो ये कह रहे हैं कि तू अपनी बुद्धि को बुद्धि रूपी सारथी का साथ ले तनाव, क्योंकि मन का वो प्रभाव बाहरी क्षेत्र में आ गया। अंतरंगता से तनाव की स्थिति मोहाशक्ति की चरम अवस्था होती है। आप परम मोही हो चुके हैं उस समय। वाह, जब आप परम मोही हो जाते हैं तो उसकी परिणति है तनाव। तो अब तनाव चूंकि शरीर में आ गया, इंद्रियां अपनी प्रतिकूलता दिखाने लगती है, आंख, कान, नाक, गला, हाथ, पैर, सारी चीजें आपके बस से बाहर हो जाती है। आप ध्यान रखिए, गीता एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, महाभारत को भारत ही जीतता है। महाभारत का विजेता कौन होता है? भारता, भारता यानी अर्जुन। अर्जुन कब जीतता है? जब वो बुद्धि का सानिध्य प्राप्त करता है। आप ध्यान रखिए, बुद्धि का सानिध्य। तो अब आपके शरीर के तनाव को खत्म करना है तो सबसे पहले आप उस यंत्र का साथ लीजिए जिस यंत्र को इतने दिनों के लिए तैयार किया है, अर्थात भौतिक रूप से आप प्रकट हो जाइए। तो आप कहां किसका सहारा लीजिए? बुद्धि का। बुद्धि में कौन सा अस्त्र है आपके पास में? धीरथा, धी यानी बुद्धि। अब बुद्धि के रथ में बैठ जाइए। बुद्धि के रथ में बैठने का अर्थ होता है आप शब्द बकवाद इत्यादि से मुक्त हो जाना। देखिए, आपके पास तनाव में, तनाव के जो लक्षण है मूल रूप से वो किस रूपों में व्यक्त होते हैं? रागी हो जाते हैं आप, बहुत तेज राग आप में हो जाता है, अनुराग विलुप्त हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा, क्रोध आ जाता है, पूर्वग्रही हो जाते हैं, मोही हो जाते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, धीरज चला जाता है, धी यानी बुद्धि चली जाती है, जिस पर अपन कई बार कहते हैं बुद्धिनाशात पुनश्चति, जिस पर मैं कहता हूं अक्सर तुलसी का वो उदाहरण देता हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना और ताकि मति पहले हर लेना। तो तनाव मति का हरण करने आ रहा है, बाहर आ गया पूरी सेना के साथ, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं सब एक साथ आपकी बुद्धि पर आक्रमण कर रही है। वो परीक्षा की घड़ी होती है, इसी बुद्धि ने तो मन को निर्मल करने के लिए प्रयत्न किया था ना, उसी निर्मल मन ने स्थायी भाव से बुद्धि का निर्माण किया था ना। तो आप बुद्धि का संबल तो लो, महाभारत के युद्ध में वो बुद्धि का संबल ले रहा है राम अपने चरित्र में। आप राम के तनाव का चिंतन कर रहे हैं? कवित्व और साहित्य की शैली में राम के तनाव का किंचित मात्र भी व्यक्ति अभिव्यक्तिकरण संभव नहीं हो सकता। आप ये सोचें, पिता त्राहिमाम करते हुए लेटे हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं और मूर्छित हो रहे हैं, देख रहे हैं और मूर्छित हो रहे हैं। बाहर चारों तरफ जो है जनतंत्र खड़ा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं कि राम 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 राम, जा नहीं सकते, वचन यहां खड़ी हुई, मर्यादा यहां खड़ी हुई, एक महतारी मौन है लेकिन वो कह रही निकलो, मौन है लेकिन कह रही निकलो राम, देखो क्या करना है। इन सारी प्रक्रियाओं के मध्य भी राम के व्यक्तित्व और व्यवहार में बिल्कुल भी तनाव पर लक्षित नहीं होता। राम वहां तनाव में नहीं है। तो ध्यान रखिए, तनाव में क्यों नहीं है? क्योंकि धीरथा हो गए हैं, वो धीरज धारण कर लिया है। तो बहुत सारे व्यक्ति जिनके जीवन में
हर पल तनाव आता है, क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, थोड़ी देर में तिष्ठ हो जाएंगे, थोड़ी देर में क्रोधी हो जाएंगे, थोड़ी देर में अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो मन का विचलन है जितने भी प्रकार के, इस मन के विचलन में क्या कृष्ण के जीवन के तनाव की परिकल्पना नहीं कर सकते? कृष्ण नारायण आसन लगाकर पैर में विधे हुए उस बाण को लेकर के और एकादश स्कंद में उद्धव को जो है वो सुंदर चरित्र सुना रहे हैं, उनको मालूम चल रहा है कि बल्लाव जी चले गए, उनको मालूम चल रहा है अब ऐसा हो गया, बिल्कुल आनंद में है। क्या कृष्ण उस समय राज्यसभा में बैठे हुए हैं और वैसी दौड़ती हुई सत्यभामा चली आ रही है कि मेरे पिता का शीश काट दिए, चलो मेरे तेल में रखा हुआ है उनको संभाल करके, और वो मार दिया है धनवा ने उनको, वो मेरे पिता की हत्या की। कृष्ण बड़े शीतल शांत भाव में है, कह रहे हैं होगा, युद्ध भी कर रहे हैं तो तनाव में नहीं कर रहे हैं। जीवन का युद्ध आपके पास जब आता है तो वो तनाव रूपी शत्रु के विरुद्ध होता है। आप जीवन में बार बार हारते क्यों हैं? क्योंकि आप बुद्धि रूपी शस्त्र का उपयोग ही नहीं करते, आप अधीर हो जाते हैं। आपको लगता है जहां रखे, जैसे ही सम्मोह की प्रक्रिया आपकी जागृत होती है वैसे ही आपको दिखना बंद हो जाता है, भौतिक स्वरूप से आपको लगता है कि दिख रहा है। तनाव के दौरान दो घटनाएं बड़ी तेजी से घटती है, एक तो आत्ममोह भी उत्पन्न होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही एकमात्र योद्धा हैं जो लड़ रहे हैं, दूसरा आप रागी हो जाते हैं, आप जिस चीज से इतना प्रेम करने लगते हैं आपको लगता है कि इस कोहिनूर की रक्षा में मैं ही जुटा हूं, बाकी सारी टीम तो पलीता लगा के इसे चोरी करने की तरफ जा रही है। इसको आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि आपका मोहांध होना ही तनाव है, तनाव तनाव बराबर मोहांध हो जाना, मोहा शक्ति के फेरे में पड़ जाना, आपकी अनुपस्थिति वहां आपको, और तुलना भी तनाव पैदा करती है। तुलना तो राग है, तुलना ही राग है और राग ही आग है, वही आग है आपके जीवन में। तो वो जब राग आ जाता है, बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि अग्नि से विजय प्राप्त कर लो तो राग रूपी अग्नि को सबसे पहले त्याग करो, ये तनाव के समय ही उत्पन्न होता है। तनाव में यदि किसी मनुष्य के शरीर का वो क्या कहते हैं आप लोग, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन इस प्रकार की कोई प्रक्रिया यदि वर्णित होती देखने के लिए करें तो आप महसूस करेंगे कि एक मनुष्य का पूरा शरीर जल रहा होता है सर से पांव तक, और जल तब रहा होता है जब वो जल का कुंड लिए हुए बैठा हुआ होता है, उसे खाली बटन चालू करना है उस जल के कुंड का, शीतल जल की वर्षा मात्र से जैसे शिव की जटा से गंगा निकल करके एकदम तृप्त कर देती है, वैसे आपके अंतरचित्त में बुद्धि रूपी जल जैसे ही प्रवाहित होगा उसके छींटे से सारा तनाव खत्म हो जाएगा, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। ध्यान रखिएगा शरीर में इंद्रियां महत्वपूर्ण है, आपका ये शरीर इंद्रियों से ही नियंत्रित होता है, आंख है और दिखाई नहीं देता तो उस आंख का क्या काम, अच्छा आंख दिखाई देती है लेकिन अपने हिसाब से देखने लग जाए तो उसमें नियंत्रण खत्म हो जाएगा, तो उसका नियंत्रण करता कौन है? इंद्रियों का नियंत्रण करता है मन। जैसे ही मन अपना नियंत्रण खो देता है इंद्रियों पर, वैसे ही मन का नियंत्रण करता बुद्धि जागृत होता है, मन का नियंत्रण करता है बुद्धि, तो ये प्रतिकूलता जब हो जाती है तो तनाव उत्पन्न होता है, इंद्रियां मन पर भारी हो जाती है और मन बुद्धि पर, तो बुद्धि जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं करते रहता। जिस समय आप तनाव में रहते हैं, जिस समय आप परेशान रहते हैं, तो क्या तनाव चिंता क्रोध कर देने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है? तो आप खूब तनाव करिए। पिताश्री कहते थे अच्छा तुम्हारे गुस्सा करने से यदि काम की समस्या का समाधान हो सकता है तो दिन में 3 टाइम गुस्सा करो, तुम्हारे तनाव करने से चिंता करने से हरण हो सकता है, उस समय केवल आपको मौन साधना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पल के लिए आपने विराम लिया, अपन ने कितनी बात की मौन साधना पर, तो आपकी बुद्धि का बटन चालू हो जाता है, आपकी बुद्धि का स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे ही बुद्धि आपकी जागृत हो गई वैसे सारा तनाव विस्मृत हो जाता है, क्योंकि वो तनाव उस बुलबुले की तरह होता है जो उठता थोड़ी तेजी से है लेकिन उसमें दम नहीं होता, खाली होता है, कोरा होता है, गुबार होता है, कितना कमजोर है ये गुबारा, महज सांसों से फूलता है, थोड़ी शोहरत मिले इसे क्या अपनी औकात भूलता है। तो तनाव के समय आप अपने अंतर चिंतन के अस्तित्व को विस्मृत कर देते हैं, आपको लगता है यही इसी क्षण, इसलिए आप सारे प्रतिकूल कार्य उस समय करते चले जाते हैं, क्योंकि आप बातों भूत विवश मतवारे हो जाते हैं, इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियां जो हैं परस्पर समन्वय खो देती है, आंख क्या देख रहा है, मुंह क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा क्रोध में बैठा हुआ आदमी हाथ इधर सरक जाएगा तो गिलास गिर जाएगा, तो इसको चिल्ला देगा तो उसको पीक देगा, तो ये सब सारी चीजें होने लगती, क्यों? वो मतवाला हो चुका है वहां पर। और एक लंबी सांस लीजिए और बुद्धि को जागृत कर लीजिए तो आपकी सारी अधीरता जो है धीरथा हो जाएगा, धीरज में परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही धी आप में जागृत हो गया वैसे ही वो जैसे मटमैला पानी
जितना हाथ पैर चलाएं तो पानी मटमैला हो जाता है, थोड़ी देर में उसमें शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, सारे कचड़े नीचे जम जाते हैं, निर्मलता के साथ आपको दिखने लग जाते हैं और वो पल चला जाता है। तो जब भी आपके जीवन में बहुत तनाव आए तो सबसे पहले आप समझ लेना, यहां यदि कोई अपराधी है तो स्वयं आप हैं, क्योंकि तनाव को आपने वरण करके रख लिया है। तो सबसे पहले अपने अपराध से मुक्त हो जाइए और धी को जागृत करिए तो आपके जीवन में बुद्धि। सुंदर कथा याद आई जो है, तो एक लतीफे के तौर पर, एक व्यक्ति जो मृत्युशैया पर है और लगभग प्राण निकलने ही वाले हैं, बमुश्किल उनकी आंख खुलती है, उनकी एक दुकान है, उस सामने पत्नी से निगाह मिलती है, वो कहते हैं बड़ा पुत्र कहाँ है, का आपके सिरहाने पर खड़ा, कहते हैं दूसरे नंबर का, इशारों में ही कहते हैं, बोलने की शक्ति तो बची नहीं, वो कहती है इधर देखिए दाहिने हाथ की तरफ खड़ा, वो कहते हैं तीसरा, इशारे से पत्नी समझती है जीवन भर साथ बिताया है, कहती है आपके ठीक बाएं हाथ की तरफ खड़ा, फिर वो पूछते हैं चौथा, वो कहती है आपके पैर के पास, अचानक उनके प्राण निकलने वाले हैं लेकिन पूरी शक्ति से चीख कर वो कहते हैं तो क्या दुकान बंद पड़ी है। यानी रागी स्वरूप कितना है, आप अभी भी जा रहे हैं परलोक, 80 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है लेकिन आपको उस दुकान की परवाह है, दुकान से राग विराग में नहीं बदला, वो अभी भी आपके राग को क्रोध में, क्रोध से अविवेक की तरफ, और वो चारों पुत्र जो आपकी विदाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बहुत आहत हैं, आप उनको याद दिला रहे हैं कि इस समय आप जाकर अपने काम में लगिए। निश्चित तौर पर जो तनाव करता है वो मानता है कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, इसीलिए वो दुनिया को कोसता है, घर को कोसता है, परिवार को कोसता है, अपने साथियों को कोसता है कि मैं ही सच्चा हूं, आप सब निष्क्रिय हैं, आपको तनाव नहीं हो रहा है इसीलिए। और निश्चित तौर पर उसमें एक अच्छी खासी संख्या आनंद उठाने वालों की तो होती है, जब आप खुद ही प्रहसन बन जाते हैं, खुद ही मजाक बन जाते हैं। जी गोस्वामी, प्रसंग वो साफ को बताऊं जी कि हमने एक बड़ी व्याधि पर चर्चा की, सामान्य चर्चाएं की हैं, लेकिन इस व्याधि की औषधि की व्यवस्था केवल बुद्धि ही है ऐसा संभव नहीं है। इसमें बुद्धि के एक बहुत अच्छी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति का नाम है शांति। शांति तुल्यम तपो नास्ति। यदि आप चाहते हैं कि इस समय जो है, और उससे एक नवनिर्माण की प्रक्रिया भी हो जाती है, ठीक बात, जब प्रतिकूलता में आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध या राग आ रहा हो, पूर्वग्रह आ रहा हो, आप उस समय यदि अपनी बुद्धि को संयमित करके उसके साथ व्यवहार अनुकूलता के साथ कर दें तो ऐसे समय में शांति की स्थापना हो जाती है, बिल्कुल शांति के शरण में रहेंगे। और ये भी ना समझिए कि ये एक प्रवचन सुनकर शांत हो जाने वाला कार्यक्रम, युग लग जाते हैं, दुर्वासा जैसे ऋषियों को याद करिए जो श्राप हाथ में ही लेकर चलते हैं और इसी को अपनी विशिष्टता भी मानते हैं। क्यों मुनियों से कांपते थे देव और तमाम इस धरती के, इस ब्रह्मांड के लोग, क्योंकि उनके पास, ऋषियों के पास जो शक्ति थी उसमें जब क्रोध मिलता था तो वो विनाशकारी हो जाती थी। ऐसे कम ऋषि आपने सुने होंगे जिन्होंने श्राप नहीं दिया, जिन्होंने कहा हो सिर्फ, ये उनकी कहानी है जो तपोनिष्ठ हैं, जिन्होंने युग बिता दिया तपस्या करते, लेकिन क्रोध से, तनाव से उनकी भी मुक्ति नहीं। किसी का अहित आप कब सोचते हैं, जब घोर तनाव में होते हैं, तभी तो आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे। एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं है, लेकिन ये तय आपको करना है कि जीवन के 80 वर्ष में भी आप क्या अपने पुत्रों से, या कोई अगर आप इतने सौभाग्यशाली रहे कि आपका पूरा कुटुंब आपके पास रहा, तो क्या आप पूछेंगे कि दुकान खुली है कि बंद हो गई, या आप शांति से आशीर्वाद देकर ये कहना चाहेंगे कि अब मैं महाप्रयाण के लिए तैयार हूं, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। लेवल यही अचीव करना बड़ा चैलेंज है, और ये मैं फिर दोहराऊंगा, एक दो दिन का काम नहीं है, इट टुक ईयर्स, सालों लग जाएंगे, लग सकते हैं, लगते हैं, तब जाकर कहीं तनाव प्रबंधन या बुद्धि रूपी रथ से उतरने की प्रक्रिया कम होती है या धीरे धीरे समाप्त होती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, प्रणाम।